हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन यूट्यूब। तो एक्चुअली जो मेरा गुलाब का ये पौधा है, ये काफ़ी मतलब फूल देकर जा चुका है, दे चुका है फूल मेरे। तो अब इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, और इसके जो पत्ते हैं ना, ये देखो इसके पत्ते भी ये कैटरपिलर ने खा लिए हैं। तो इसमें नई ब्रांचेस नहीं आ रही हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरा प्लांट जो है काफ़ी बुशी सा बन जाए। तो बुशी सा बनाने के लिए मैं सोच रही हूँ इसकी 2G कटिंग कर दूँ। अब सोच रही हूँ कि 2G कटिंग क्या है, तो वो मैं आपको सिखा देती हूँ। कि देखो, जैसे ये ब्रांच हमारी निकल रही है, तो इसकी यहाँ यहाँ से हम थोड़ी थोड़ी सी कटिंग कर देते हैं, ये हमारी 2G कटिंग कहलाएगी। तो हम हल्की हल्की सी अपने सभी पौधों, इस वाले पौधे की, गुलाब की, क्योंकि ये मेरा देसी वाला गुलाब है। देसी वाला जो गुलाब होता है वो इस टाइम पे गर्मियों में बहुत अच्छे अच्छे फूल देता है। तो इस वजह से हम अपने प्लांट की जो है थोड़ी थोड़ी सी कटिंग कर देते हैं 2G। अब इसके बाद जब ये थोड़ा सा और इसमें नई ब्रांचेस आने लगेंगी, तो हम उन नई ब्रांचेस की भी कटिंग कर देंगे, जिससे जो मेरा प्लांट थोड़ा बुशी सा हो जाए, मतलब नीचे से घना हो जाए। जितना प्लांट मेरा घना होगा, उतने ज़्यादा इसके अंदर फूल आएंगे। अब ये देख रहे हो, मैं इसको, इतने बड़े प्लांट को थोड़ा थोड़ा काट काट के हटा दूंगी, जिससे ना इसमें इसकी जो केयर है वो अच्छे से होती रहे, और इसमें नई नई ब्रांचेज निकलेंगी। तो मेरा ये देखो, इसमें अभी एक नई, ये नई पत्तियाँ आ रही हैं, तो मैं इसको भी हटा देती हूँ, ताकि ये बारिशों का पानी लगेगा इसके अंदर, तो पौधे में नई जान आएगी और मेरा प्लांट बहुत अच्छा सा फूलों से भर जाएगा। तो इसकी हल्की हल्की से हम कटिंग कर देते हैं, हल्की हल्की सी नहीं, मैं तो खैर ज़्यादा कटिंग कर रही हूँ इसकी, 2G भी कर रही हूँ और 4G भी कर रही हूँ। अच्छे से इसकी कटिंग कर देती हूँ, ताकि अभी बारिशों का पानी लगे तो बहुत अच्छे से चले, फिर मेरा सर्दियों में भी फूल देना स्टार्ट करेगा। अब इसकी, अब जो ये कटिंग करके मैं निकाल रही हूँ ना, जैसे ये देखो, ये जो मोटे मोटे हैं, अब इनको हमें फेंकना नहीं है। क्या करेंगे, देखो इसको हटा लो यहाँ से, एक मिनट, ये वाला थोड़ा मैंने ये चेंज कर लिया, इसको हल्का हल्का सा ऐसे छील लो, क्योंकि जो जो मोटी मोटी ब्रांचेस है ना, उन्हें फेंकने से अच्छा है इसी में हम लगा देंगे, तो हमारे नए पौधे जो हैं तैयार हो जाएंगे। तो ये देख सकते हो, मैंने मतलब इसको अच्छे से छील दिया है। छील इसलिए रही हूँ ना, कि अगर जैसे मिट्टी के अंदर लगाऊंगी तो इसके अंदर से जड़ें थोड़ी जल्दी निकल आए। अब देखो, ये यहाँ से छोटा सा पौधा निकला, ये वाला एरिया जो है इसका ये कट कर देते हैं, है ना। अब ऐसे कितने मैंने अभी काट काट कर निकाले हैं वो देख, एक मिनट, हाँ। तो ये अभी बना लेते हैं, पहले देखते हैं जो जो मोटी मोटी पड़ी है मेरे पास। एक देखो, ये मोटी है थोड़ी सी, तो इसको ऐसे कट करके इसको भी मैं, इसको भी इसी पौधे के अंदर लगाऊंगी, ताकि मेरा जो पौधा है, कटिंग भी मेरी तैयार हो जाएंगी और मेरा गुलाब का पौधा अच्छे से चलेगा। तो दो कटिंग, एक मिनट, ये बाल आ गया, ये दो मेरी हो गई हैं, और मैं कोई मोटी देखती हूँ। ये देख, ये देखो, ये थोड़ी सी मोटी है, और अभी पौधे में अभी थोड़ी सी, और देखो ये पत्तियाँ खराब खराब सी मुझे लग रही हैं, मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। गुलाब के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो ऑलरेडी फर्टिलाइज़र क्या डालना है। देखो ये वाला भी थोड़ी सी मोटी डंडी है ना, तो इसको यहाँ से काट लेते हैं, इसकी भी कटिंग लगा लेंगे, और इसमें से ब्रांचेस भी निकल आएंगी थोड़ी सी, ये पत्ते। अब देख रहे हो, काफ़ी अच्छी कटिंग हो गई है पौधे की, बारिश का पानी लगने से इन पौधों में ना जान पड़ जाएगी। तो ये मेरे पास देखो तीन तैयार हो गई ना, इनको भी चलो अब होल कर लेती हूँ मैं, किसी इसी से इसके अंदर लगा देती हूँ। मिट्टी देख रहे हो, इसमें गोबर पड़ा हुआ है, गोबर जो है ना हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है, गोबर की खाद। तो ये सारी कटिंग, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा, कि आप जब भी कटिंग करके निकालते हो ना, पहली बात तो कटिंग हमेशा बारिशों के सीज़न में करो। वैसे बारिशों का सीज़न स्टार्ट हो गया है हमारे यहाँ, तो 2-4 दिन से बारिश आ ही रही है रोज, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कटिंग कर देती हूँ। अब इसको लगा देती हूँ, बारिशों में ही कटिंग पौधे की किया करो, क्योंकि बारिश के पानी से ना पौधों में बहुत नई, ये वाले पत्ते हटा देती हूँ, है ना, क्योंकि अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा तो नई कटिंग में ना आए। ये हटा देते हैं, कटिंग लगाने के और भी तरीके मैं आपको सिखा चुकी हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ये वाले अपने पौधे की और भी कटिंग करनी थी, तो मैंने सोचा चलो ये वाली वीडियो भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। देख चुके हो ना कितना अच्छे से कटिंग कर दिया, और मैंने ये 3-4 कटिंग कराई। इन कटिंग्स की ग्रोथ कितने टाइम में होती है मैं आपको शो कर दूंगी। वैसे अगर आपको कटिंग लगानी सीखनी हो, तो और भी दो वीडियो है मेरी गुलाब के ऊपर, वो आप जाके सीख सकते हो। और इसके अंदर जो है, आप गोबर की खाद डालोगे तो आपका पौधा, और इस टाइम पे आप अपने पौधे की गुड़ाई करके अच्छे से गोबर की खाद डाल दो, तो आपका ये गुलाब देसी वाला बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। जैसे देखो, मैंने ये अपने पौधे को अच्छे से कर दिया। चलो
आप सभी ये वीडियो देखना, वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।